प्रभु ने कहा ना कि बुद्धिमान अपना घर कहां पे बनाता, चट्टान पे, और निर्बुद्धि रेत पे। वचन सेम है दोनों के लिए। वचन क्या है? बुद्धिमान के लिए और निर्बुद्धि के लिए। क्योंकि बुद्धिमान उस वचन को सुनकर अपने जीवन में पूरा करता है, फिर उसका हालात, प्रॉब्लम, समस्या, उसका कुछ भी बगाड़ लिखा नहीं। और निर्बुद्धि है जो सुनता तो है मगर उसको पूरा नहीं करता, लिखा उस घर का क्या कर हो जाता है, सत्यानाश। जो बुद्धिमान है उसको सुनकर पूरा करता है, और जो निर्बुद्धि है नहीं करता। लिखा बुद्धिमान अपने घर को बना लेता है और निर्बुद्धि ढा लेता है। वचन सेम है दोनों के लिए। जैसे व्यवस्था विवरण ठाई की, अगर एक पढ़ो और उसी का ठाई का, हाँ, एक वचन देना जल्दी से। व्यवस्था विवरण अपनी पुस्तक निकालो, बाइबल देखो। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। मैं आज सोचकर कुछ आया था, पर मैं जब आता हूं तो मैं वहां पे आते ही परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर आप जानते हो तेरे लोगों की क्या जरूरत है, और तू उनके भले के लिए, उन्नति के लिए क्या चाहता है, वही चीजें मेरे मुंह से तू बोल। आमीन। क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है। आज का जो सब्जेक्ट है ना, आज का जो मैसेज है यही है। इसलिए तारीफ करो सबसे पहले उस परमेश्वर के लिए जिसने आपसे सच्चा प्रेम किया। निकालो निकालो जल्दी। हाँ ओके थैंक यू। जैसे व्यवस्था विवरण हम ठाई की एक पढ़ते हैं तो जहां ऐसे लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित लगाकर उसकी सुने तो पृथ्वी की सब जातियों से जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। कैसे? पहले लिखा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चित लगाकर और चौकसी से क्या करें, पूरा करें। क्योंकि चित लगाकर चौकसी से, समझ नहीं है? क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होता। जैसे कहते ना, कोई ना प्रभु आप पे करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते, वो निर्बुद्धि जो बोलते हैं ना, कोई ना परमा आप पे कर देगा, ऐसे नहीं होता। कहता जब तू चित लगाकर चौकसी से पूरा करे, उसकी सुने और पूरा करे, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करे। फिर लिखा फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने का सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। और आगे लिखा धन्य है तू नगर में, खेत में, संतान, भूमि की उपज, खाएं, भेड़, बकरी आदि, पशुओं के बच्चे। धन है तेरी टोकरी, तेरी कठौती। धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते। ये आशीष वचन, बोलो क्या है? ये आशीष वचन है जो हम सुनकर अपने जीवन में पूरा, और इसी का अगर हम 15 पढ़े सेम वचन है, जैसे मत्ती 7:13 में है ना, 7:13 है ना, तो यहां पे ठाई की 15 में लिखा, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तो उस पर आ पड़ेंगे। शापित है तू नगर में, शापित है तू खेत में, शापित तेरी टोकरी, तेरी कठौती, तेरी संतान, भेड़, बकरी, बच्चे, शापित है तू भीतर आते समय और बाहर जाते। सेम वचन वहां पे, सेम सब बातें सेम लिखी है, पर वहां पे आशीष में बदल गई। वचन को पूरा करने से वो क्या चीज होगी? आशीष। और यहां पे ठाई की 15 में वही वचन सेम है, सब बातें सेम है, खाएं, भेड़, बकरी, तेरी संतान, टोकरी, कठौती, अंदर आते बाहर जाते, तेरी भूमि की उपज। कितनों को समझ आ रही है? ध्यान से सुनो, ध्यान से। ढीले लोग मुझे जो समझ, आप खुदा से आप कुछ पाने के लिए अपना टाइम निकाल कर आए हो, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है। आपको पता है ना, आपको आशीष करना चाहता है परमेश्वर। तो यहां पे सेम वचन है, एक आशीष में अगर वचन को कहता परमेश्वर ने कहा पूरा करेगा तो सब आशीर्वाद आएंगे, अगर तू सुनकर नहीं मानेगा, पूरा नहीं करेगा, तो वही वचन श्राप में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? वही वचन श्राप में बदल जाएगा। अभी हमें बहुत ध्यान से और चौकसी से चलना है।
समझ आ रही है? इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को समझते नहीं है। फिर वो कहते हैं हम तो आ रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? उन्हें चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ आ रही है? और अगर वो सिस्टर भी परमेश्वर के वचन को पूरा करती, 99% वो खड़ी होती यहां पे। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको, मैं जी ये चीज बाद में बताने वाला था, पर परमेश्वर मुझे कह रहा बोल, और ये चीज कल नाइट परमेश्वर ने मुझसे बात की और कल मुझे परमेश्वर ने बोला कि ये तीन थस्ते, तीन वीरवार, ये जो अभी आएगा, एक दो और तीन, इसमें मेरे लोगों को बता कि मैं हर सस्ते की मीटिंग में, वीरवार की मीटिंग में जो लोग आएंगे उनको मैं आशीष करूंगा और उनके जीवन में बड़ा छुटकारा दूंगा। हमें क्या दूंगा? जितने लोग इस थर्सडे की तीन मीटिंग को अटेंड करेंगे वो लोग क्या करेंगे? जितने लोग इस थर्सडे की तीन मीटिंग को अटेंड करेंगे उन्हें मैं बहुत ब्लेस करूंगा, छुटकारा भी दूंगा। लोगों को बोलना, अभी देखो, अभी ये आशीष वचन है, अभी देखो सुनकर कितने लोग पूरा करते हैं। बोलो, अभी अभी यही थे चीजें, अभी इससे पता चलेगा कितने लोग उस वचन को पूरा, क्योंकि हर एक किसी के पास अपना काम है, छुट्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर वही लोग अगर बीमार हो जाएं, किसी की मर्ग हो जाए, शादी आ गई, देखना कैसे छू छू शादी आ जी, काम वाले गुस्सा करें, ऐसे की करिए जी, जाना नहीं है, हड्डी मर्ग हो गई, वो हो गया परमेश्वर के लिए ना, नहीं वो छुट्टी नहीं देंदे, काम है, वो है, ये फर्क आ गया। क्या आ गया फर्क? आ जाओ, मैं डिक्लेयर करता हूं जो खुदा ने बात मुझसे कही उसे पूरा करो, हर एक क्षण इस वचन को पूरा करने से वो गवाही से आएगा। क्या आएगा? मैंने कहा हर एक क्षण वो गवाही से खड़ा होगा। अब देखते हैं इस वचन के कितने लोग योग्य हैं, कितने लोग इस वचन के द्वारा अपनी आशीष को, अपने छुटकारे को प्राप्त करेंगे, अब पता चलेगा। क्या चलेगा? क्योंकि परमेश्वर तैयार है, जैसे उस लेडी को परमेश्वर ने कहा, मैं सच्ची कहता हूं 99% वो खड़ी होती है यहां। क्या होती? वचन पूरा नहीं किया। इसलिए इसने कहा बुद्धिमान है मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और मानता, अपना घर चट्टान पर बनाता है, फिर कितने भी हालात आए उसका कुछ भी बिगाड़, शैतान कितने भी हालात आए, शैतान कुछ भी करे, क्या करे, कुछ भी करे, मैं कहता हूं आपको कोई खोलकर यहर क्यों ना पला दे, उससे भी कुछ नहीं होगा। और बताओ क्या हो? सपने में आकर शैतान अटैक करता है, वैसे अटैक करता है। मैंने कहा कोई घोल कर आपको कुछ यहर भी पला दे तो भी नहीं कुछ होगा। आमीन। आपका परमेश्वर कौन है? मरा नहीं है वो, जीवित परमेश्वर है, अजीवित लोगों के जीवन में काम करता है जो उसके जीवित वचन को सुनकर विश्वास करते हैं। आमीन। तो ये है उस परमेश्वर की सामर्थ, जिसने कहा मेरा वचन, मेरी सच्चाई सिर्फ बातों में नहीं, ज्ञान की बातों में नहीं, जैसे ज्ञान बहुत है, उसने कहा मेरा वचन सिर्फ बातों में नहीं, मेरा ज्ञान बातों में नहीं, हाँ गलना ही गलना। जैसे यीशु मसीह के पास मरकुस 9 में एक आया ना, लिखा एक अपना आदमी आया अपने बेटे को, उसकी प्रॉब्लम थी ऐसे मिर्खी के उसके बेटे को, तो चेले, उसने कहा तेरे चेले सही नहीं कर पाए, तो यीशु ने कहा ठीक है, वो सामने यीशु की दुष्ट आत्मा उसका बुरा हाल कर रही, क्या कर रही है, बुरा हाल कर रही है। तो क्या हुआ कि जीसस ने आत्मा में देखा इसके अंदर विश्वास नहीं, क्या है? ये आया तो जरूर है पर इसके अंदर विश्वास नहीं है, और जीसस ने जो परमेश्वर के राज्य का नियम है वो बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया, और वो बंदा शारीरिक था, उसे नहीं पता था,
और जब टीच कर रहे थे, यीशु मसीह खूब टीच कर रहे थे उस बंदे को, तो उसने कहा प्रभु कुछ कर सकते हैं तो कर। उसने सोचा ये तो मुझसे सिर्फ बातें ही करता जा रहा है, ये है परमेश्वर आज ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे होगा ऐसे करने से ऐसे होगा। उसने कहा ये तो मुझसे सिर्फ बातें खाली गल्ला ही करी जा रहे हैं, करना तो कुछ कर। तो उसने जब ऐसे कहा तो यीशु ने कहा ये तू क्या कहता, ये तू क्या कहता, ये तू मुझे क्या कहता। फिर उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है। फिर लिखा वो यीशु के पैरों में गिरा हा? और माफी जैसे मांगते ना, और कहने लगा प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करो। कितने लोग हैं जो आज भी अविश्वास में जी रहे हैं, विश्वास तो करते हैं मगर कौन सा करते हैं, क्योंकि विश्वास दो प्रकार का हा? कुछ लोग कहते हैं हाँ जी विश्वास है ते ही आए हैं, समझ आ रही है। तो उसने कहा मेरे आम विश्वास का उपाय करो, क्योंकि उसके अंदर उस हीलिंग को उस छुटकारे को पाने के लिए क्या नहीं था, विश्वास नहीं। और जीसस के जैसे टीच किया सिखाया विश्वास आया और तुरंत काम हुआ हमें। और आज भी परमेश्वर बहुत जल्द करना चाहता है हर एक के जीवन में, जो खड़े रहते हैं और अड़े रहते हैं, रोते नहीं है, विश्वास से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, वो जीतते हैं। क्या करते हैं, जीतते हैं। दाऊद के जीवन के बारे देखो, जिसने 60 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। हाँ कितनी, 66 60। आपका सिर्फ एक काम है, दो काम है, और आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, हो नहीं रहा। धन्यवाद देते रहो, क्या देते रहो, धन्यवाद देते रहो, खुश। आपके गवाहियों को बड़े फल लगने वाले, आपके कामों को फल लगने वाले, समझ आ रही है। और ये होगा 100% होगा। अगर दाऊद ने 60 लड़ाइयां जीत ली, आप एक दो नहीं जीतोगे, इसलिए विश्वास से लड़ो, ठीक है। तो खुदाबंद आप सबको बहुत सारी आशीष दे चुके हैं। मैं एडवांस में आपको कैंजुलेशन बोलता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं आज की मीटिंग के लिए। मैं कहता हूं आज की मीटिंग के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। आमीन।